भैया एक्चुअली ड्रिंक एंड ड्राइव किए हैं। अंकल पुलिस खड़ी है, फोन यूज किया तो पुलिस पकड़ लेगी अंकल। गुड मॉर्निंग गाइस, ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ, भाई लोग सब रेडी हो चुके हैं, अंकल चाय लेके आ रहे हैं और हाउस बोट हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो अंकल हमें 10 किलोमीटर राइड के लिए लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगेंगे, तब तक मैं आपको हाउस बोट का जो है रूम्स वगैरह दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, वहाँ पे छोटी छोटी बोट्स खड़ी है, जो छोटी छोटे बोट्स बोटिंग कर रहे हैं। सो एक्चुअली 1500 का डीजल यहाँ पे जाता है इसमें अराउंड 20 किलोमीटर्स के लिए। सो अंकल ने बताया कि डे के लिए 1500 का डीजल सफिशिएंट है। कुछ छोटे हाउस बोट्स है, कुछ बड़े हाउस बोट्स है, कुछ लग्जरी है, कुछ नॉर्मल है। बारिश में भी चलते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट? हाफ मीटर अप 90-80 हाँ 1 मीटर ओके फुल हाउस हाँ आफ्टर दैट नथिंग राइट आई मीन इवन इन द हैवी रेन द वाटर विल नॉट गो इन द हाउस नो राइट इट विल बी इन द सेम लेवल फ्लड टाइम दैट्स इट अदरवाइज इट्स ओके बोट जाती हुई यहाँ पे कितना रूम्स है भैया 3-4 रूम्स है डबल डेकर ओके ये है डबल डेकर ऊपर में इनका रहता है ब्रेकफास्ट वगैरह तो काफी अच्छा बोट है ये मुझे पसंद है नेक्स्ट टाइम आएंगे इसमें भैया एक्चुअली ड्रिंक एंड ड्राइव किए है देखो यार थोड़ा सा वाइन लिए भैया और फिर चलाए गाड़ी क्या भैया ऐसा नहीं करना चाहिए तो जब तक अंकल चला रहे हैं हाउस बोट थोड़ा दूर जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ रूम्स तो ये एक्चुअली हमारा लिविंग एरिया है और मनीष भाई फोटो वोटो खिंचा रहे हैं और यहाँ पे चलते हैं ये लॉबी है ये हमारा पहला रूम है एक्चुअली वार्डरोब है आपको फिर बेड काफी अच्छा है विंडो जहाँ से आप ले लेक या रिवर देख सकते हैं एंड मिरर भी है बड़ा सा एसी मस्ट है क्योंकि गर्मी रहता है यहाँ पे वॉशरूम है नीट एंड क्लीन वॉशरूम है एक्चुअली और मिरर फिर से ये नेक्स्ट रूम है इसमें भी वार्डरोब सेम फैसिलिटी है मिरर वगैरह एसी वगैरह और वॉशरूम थोड़ा चेंज है लेकिन नीट एंड क्लीन है काफी अच्छा वॉशरूम है सो आई लाइक इट ये किचन है भैया का जहाँ भैया खाना बनाते भैया उधर जा सकता हूँ हाँ तो भैया से परमिशन लेके यहाँ आए हम ओ वाओ क्या बढ़िया व्यू है देखो आप एंजॉय करो व्यू को मेरे साथ तो अंकल काफी स्पीड बढ़ा रहे हैं गाड़ी का और ये देखो छोटी सी बोट बोटिंग कर रहे हैं कचरा क्लीन कर रहे हैं बढ़िया इनिशिएटिव देखो आप क्योंकि लोग बड़ी बोट में आते हैं बड़ी हाउस बोट में आते हैं पानी की बोतल वगैरह ऐसे ही डाल देते हैं पानी में दैट इज रॉन्ग ऐसा नहीं करना चाहिए देखो भैया क्लीन कर रहे हैं यहाँ पे छोटा छोटा कचरा क्लीन कर रहे हैं क्लीन रखने के लिए भैया आप देखो कितना मेहनत कर रहे हैं ये सब आपको ध्यान रखना है आपको नहीं फैलाना है कचरा यहाँ पे लेक के अंदर या रिवर के अंदर यहाँ पे डस्टबिन दिए गए उसमें डालिए आप कचरा भैया ये सब प्राइवेट बोट्स है क्या प्राइवेट है होमस्टे है सो ये एक्चुअली होमस्टे है ओला होमस्टे और देर आर पर्सनल हाउसेस आल्सो होमस्टे है ओके यहाँ पे पूरा होमस्टे है आप आके रुक सकते हो लोकल पीपल आल्सो इन आगे ओके ओके वो सब बंगलो वगैरह लोकल पीपल का ओके भैया ने बुलेट स्टार्ट कर दिया है वहाँ सामने भैया कितना डेप्थ है ये रिवर 20 फीट है लेक लेक वो लेक सेम 20-25 फीट है ओके मैक्सिमम 25 है सो एक्चुअली भैया ने बताया कि लेक 25 फीट डेप्थ है
भैया लग्जरियस बोट जो यहाँ का है कितना कॉस्टली है? डोंट नो योर्स 70 लाख। सो ये बोट एक्चुअली जिसमें हम सवार है 70 लाख का है। बाकी भैया को पूछा था कि यहाँ का सबसे कॉस्टली बोट कौन सा है वन डे के लिए, लेकिन भैया बोले मनोज भाई से बात करो। और देखो आप देख सकते हो बहुत सारे बोट्स खड़े हैं, बहुत सारे हाउस बोट्स, और यही बिजनेस है यहाँ पे। बड़े बड़े एक बोट तो गया था 10 रूम्स का था, काफी बड़ा। भैया मैक्सिमम स्पीड क्या है इसका मतलब भैया? 20 7 or 8 किलोमीटर। ओके, तो आराम आराम से चलती है बोट्स। भैया स्टेयरिंग घुमा रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, बाजू में एक रिवर्स गियर है और उसके साथ साथ जो एक्सीलेटर है, बस और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, ये 3 ही ऑप्शन है यहाँ पे। और अभी जो है ना ये रिवर है, आगे बड़ा सा लेक आने वाला है, तो दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे। ये लेक एंटर हो चुके ना, कैमरा लेक। ओके, यहाँ से ओके। ये क्या है अंकल? नेशनल वाटर सिग्नल है, नेशनल वाटर का सिग्नल है। अच्छा, तो भाई भाई लोग हमको दूर जाने को बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। चाय आ गई थी तो चाय पी लिए, और ब्रेकफास्ट आएगा थोड़ी देर में, तो फिर ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, तब तक आप व्यू एंजॉय करिए। वाओ, ये पूरा लेक है एक्चुअली, 20-25 फीट डेप्थ है इसका। बहुत सारी हाउस बोट्स यहाँ पे है, और यहाँ से भैया मेरे ख्याल से रिटर्न करेंगे या फिर काफ़ी दूर तक लेके जाएंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर्स बोल रहे थे भैया, तो शायद अभी तो उतना टाइम हुआ नहीं है। तो एक्चुअली भूख लग चुकी है, तो अंकल को पूछ के आते हैं कितना टाइम लगेगा ब्रेकफास्ट में और क्या बना रहे हैं अंकल। अंकल ब्रेकफास्ट कितना टाइम लगेगा? अंकल अभी अंकल रेडी है ब्रेकफास्ट के साथ में इडली और डोसा और साथ ही साथ चटनी। यहाँ पे एक्चुअली डीजल डाला जाता है बोट का, सुबह सुबह भैया ने ये इसमें से यहाँ डीजल डाला 1500 का। और देखो क्या शानदार व्यू आ रहा है, सूरज निकला है पिछले 2 दिन के बाद। कल तो ट्रैवल कर रहे थे पूरा, तो सूरज था ही नहीं, अभी भी मुझे लग रहा है जैसे हम गाड़ी में बैठेंगे वापस बारिश शुरू हो जाएगी। अंकल पुलिस खड़ी है, फोन यूज किया तो पुलिस पकड़ लेगी अंकल, पैसा मांगेगी, 2000 का फाइन होगा अंकल। फाइन लगेगा। तो ब्रेकफास्ट आ चुका है, डोसा चटनी सांबर और इडली और साथ में ये व्यू। कैप्टन अंकल उनसे बात कर रहे हैं वहां पे, देख सकते हो आप इतना दूर से। ब्रेकफास्ट कर लिया है, काफी अच्छा ब्रेकफास्ट था, टेस्ट काफी अच्छा था, तो पेट फुल हो चुका है, तो अब यहाँ से निकलेंगे। हाफ एन आवर लगेगा वापस जाते हुए अपना जो हाउस बोट का जो पॉइंट था वहां पे, और फिर वहां से निकलेंगे घर के लिए। भैया ओवर स्पीड का चालान कट जाएगा, भैया धीरे थोड़ा, आगे पुलिस खड़ी है। भैया कुछ ज्यादा ही स्पीड में जा रहे हैं। ये जो आसपास में बंगलो बने हुए हैं एक्चुअली पर्सनल प्रॉपर्टी है, और ये इन घर वालों का ये बोट है, तो सबका एक एक बोट है, तो पानी से ये जा सकते हैं इधर बोट लेके, और फिर वहां से गाड़ी लेके जा सकते हैं, क्योंकि उस साइड पे भी रोड नहीं है, खेती है, तो ये लोग ऐसे ही आते हैं, यहाँ बोट से आते हैं, फिर यहाँ रुकते हैं और फिर वापस बोट से ही जाते हैं। मुझे ये छोटा वाला बोट मस्त लगा है।
तो ये बोट राइड आप चूज कर सकते हो, 5-6 लोग 10 लोग जाते हैं ऐसे ही बोट राइड करके वापस चले जाते हैं। अगर आपको हाउस बोट नहीं चाहिए, ओवरनाइट स्टे नहीं चाहिए और खाली बोट राइड एंजॉय करना है तो ऐसी में जाके आप एंजॉय कर सकते हो। ऑलमोस्ट वापस पहुंच चुके हैं, वहाँ देखो कितनी सारी हाउस बोट्स लाइन लगी हुई है, तो हमारा भी कहीं वहीं कहीं स्टे है। थोड़ा गर्मी होने लगा यार, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्या? उसके लिए हाउस बोट में एसी भी है लेकिन बाहर अब थोड़ा गर्मी होने लगा है, थोड़ा सा सूरज निकला है उसके लिए गर्मी होने लगा। कल तो गर्मी नहीं था उतना लेकिन आज होने लगा यार। अंकल ये पानी किसका है निकल रहा है? वो कूलिंग है, बाहर जाता है, आता है बाहर जाता है। ओके, ये एक्चुअली इंजन कूलिंग का वाटर है, सो वापस पानी जाता है इंजन में फिर वापस बाहर जाता है। ये डबल डेकर है, काफी अच्छी है बोट, भैया लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाय भैया। सो ये एक्चुअली गवर्नमेंट बोट है, पैसेंजर ट्रैवलर जो भी दिल्ली कम्यूट करते हैं उनके लिए है, और बाकी ये सब पर्सनल बोट्स है, प्राइवेट बोट्स। ऑब्वियसली रोड लाइसेंस है, ओके, सेम रोड फैसिलिटी, सिग्नल एंड एवरीथिंग, ओके, सो वी शुड हैव लाइसेंस, अदरवाइज नो ड्राइविंग। यस यस, राइट राइट राइट। पुलिस एवरी टाइम चेकिंग है, हियर ट्रैफिक पुलिस वाले, वही मैं बोल रहा था भैया थोड़ा धीरे चलाओ यार, स्पीड में ज्यादा हो। Under my government rules. ये लाइन में आएगा, तो ये अभी तीन खड़ा है ना, ये दो खड़ा है, ये तीसरा, चार बेडरूम, दो बेडरूम, एक बेडरूम, कितना? 8 बेडरूम है अपने पास। अच्छा, तो 8 बेडरूम सब लोग मिक्स बुक करते हैं या एक ही थी, एक ही फैमिली? ज्वाइनिंग फैमिली, ओके, तो अपना बोर्ड रख चुका है। ये थोड़ा लग्जरी लग रहा है मुझे, ये कौन सा भैया, एक बेडरूम है? सुन, ये वाला लग्जरी, वाह ये अच्छा है एक्चुअली, बेड वगैरह, लाइटिंग वगैरह, सोफास, तो ये एक्चुअली लग्जरी है 1 बेडरूम का, और ऊपर में भी है आई थिंक वहाँ पे। चलो बढ़िया था एक्सपीरियंस अपना, बाय अंकल, थैंक यू। चलो मनीष भाई चलो चलते, ये एक्चुअली लग्जरी है ऊपर ऊपर जाने के लिए, यहाँ बाहर बैठने के लिए, अपना वाला में ऐसा ऑप्शन नहीं था। ओके, तो ये रही अपनी हाउस बोट, वो साइड में खड़ी है। हाँ, अपना को वहां से लेफ्ट लेके पार्किंग में जाना है,